कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक पर बने बिल को लोकसभा में पेश किया है। इस बिल को द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज नाम दिया गया है। लोकसभा में बिल को पेश करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए ये बिल लेकर आई है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर कोई महिलाओं के पक्ष में है, हम बिल में देरी करना नहीं चाहते, लेकिन इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। तीन तलाक पर लोकसभा में राजद, बीजेपी और AIMIM प्रमुख ओवैसी समेत कुछ विपक्षी पार्टियों ने सजा के प्रावधान का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा कि बिल संविधान के मुताबिक नहीं है, घरेलू हिंसा को लेकर भी कानून पहले से मौजूद है, फिर इसी तरह के एक और कानून की जरूरत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बिल महिला से भेदभाव खत्म करने और उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने के लिए है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का 133वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झंडारोपण किया। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुप्त तरीके से छेड़छाड़ कर रही है। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का 133वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर मौजूद रहे। रामपुर के अजीम नगर में देर रात से सोकर उठने पर पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 की तारीख का ऐलान कर दिया है। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होंगी। यूपी बोर्ड में लगभग 67,02,483 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें से 37 लाख हाई स्कूल और 29 लाख इंटर के परीक्षार्थी हैं। लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पर उस वक्त बड़ा विमान हादसा टल गया जब सऊदी एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ करते वक्त अगला व्हील टूट गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर डांस किया। इस कार्यक्रम में अतिथि मंत्री सुरेश पासी थे। गाजियाबाद के दिल्ली बॉर्डर से लेकर राजनगर एक्सटेंशन तक बनी 11 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरनगर में एक महिला को लड़की को जन्म देना इतना भारी पड़ गया कि उसके पति ने उसकी जमकर पिटाई कर घर से बाहर निकाल दिया। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया। इस बैठक में मुस्लिम महिलाओं ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। बिजनौर के कोटद्वार रोड पर बनी सहकारी चीनी मिल का सैंपल फेल पाया गया, जिसके बाद एडीएम के यहां पर एक परिवाद दायर कर दिया गया है। यूपी बोर्ड ने 2018 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा से करीब 50,000 छात्र छात्राओं को बाहर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।